नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में नीरा के बारे में। बिहार सरकार इंद्र नीरा को लेकर ज़्यादा जोर दे रही है। बिहार सरकार ने पहले लोगों को नीरा के रख रखाव को लेकर जानकारी दी, उसके बाद अब उसका व्यापारिक रूप दे रही है। दरअसल बता दें कि बिहार सरकार अब बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के तहत ताड़ के पेड़ से निकाले जाने वाले इस प्राकृतिक पेय पदार्थ को बोतल में बंद कर बाजार में लाने की योजना है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि बिहार आने वाले पर्यटकों को इसका स्वाद ले सकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए नालंदा व हाजीपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ साथ पटना खादी मॉल में इसकी बिक्री की तैयारी शुरू की गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि लोगों को रोजगार का नया अवसर मिलने वाला है। बिहार सरकार के साथ साथ यह भी कहा गया जा रहा है कि नीरा को बढ़ावा देने से जीविकोपार्जन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नीरा के उत्पादन और उसकी बिक्री पर जोर दिया जाएगा। कॉम्फेड के तहत जारी अपडेट के अनुसार यह भी कहा गया है कि बिहार शरीफ और हाजीपुर के प्लांट में 200 मिलीलीटर की बोतल में उत्पादन शुरू किया जाएगा। हाजीपुर में भी इस प्लांट से 500 लीटर और बिहार शरीफ से 500 लीटर नीरा उत्पादन होगा। मार्केटिंग के लिए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ा जाएगा। गुमटी चौराहा आदि स्थलों पर भी छोटे छोटे रिटेल पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि वहां पे भी जो है नीरा को बेचा जा सके, उसकी बिक्री जो है किया जा सके। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बोतल में पैक नीरा अगर बाज़ार में पूरी तरह से तैयार हो जाता है, यानी कि बाज़ार में बिकने लगता है, उसकी मार्केटिंग हो जाती है, तो उसके बाद नीरा पाउडर को भी बाज़ार में लाया जाएगा। इसमें जो पाउच का जो कितने ग्राम का पाउच होगा वो भी बताया गया, जिसमें कहा गया है कि 50 ग्राम 100 ग्राम और 200 ग्राम के पाउच के जो है पैकेट बाज़ार में लाए जाएंगे। अभी इस पैकेट पर कितना पैसा लिया जाएगा इसका निर्धारण नहीं किया गया है। प्रभात खबर में छपी एक खबर की माने तो कहा गया है कि इस पैकेट का, यानी कि जो वो एक तरह से कहने की जो पैकेट बनेगा उसमें भूरा टाइप का होगा, वो कहा गया है कि ORS के घोल की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ नीरा के पाउडर का जो हमने पाउडर पहले ही कहा कि जिस तरह से ORS का घोल होता है उसी तरह से नीरा का पाउडर बनेगा और उस पाउडर का हम ORS की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नीरा उत्पादन को लेकर जो बात कही गई है उसमें यह भी कहा गया है कि जीविका दीदी कच्चे माल का उपलब्ध कराएगी कि कहाँ से वो ताड़ के पेड़ से कैसे और किस तरह से ये उसका प्रोसेस है वो लाने का वो जीविका दीदी को दिया गया है। ताड़ का रस हवा धूप के संपर्क में आता है तो फर्मेंटेशन होकर ताड़ी में तब्दील हो जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब जिसे हम फेन कहते हैं, फेन के रूप में जो ताड़ी जिस पात्र में रखा जाता है उसके ऊपर में जो स्थिति होती है उसको हम फेन कहते हैं और फर्मेंटेशन के बाद जो है ये स्थिति बनती है। यह भी बताया गया है कि जीविका दीदी सूर्य उदय होने से पहले उसे लीचर में स्टोर करेगी। बता दें कि कॉम्फ्रेड क्वालिटी की जाँच के बाद 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसे जो है लिया जाएगा। बता दें कि नीरा के जाँच के पॉस्चराइजेशन के समय भी इसकी जाँच की जाएगी। बता दें कि नीरा बनाते समय इसे डिफ्रीज में रखा जाएगा। इसमें नीरा की क्वालिटी अगले 3 दिन तक बनी रहती है। तो एक तरह से कह लें कि नीरा बनने की पहली प्रक्रिया में ही डिफ्रीजर की जरूरत होती है ताकि उसे उस टेम्परेचर पर रखा जा सके जिससे कि वो नीरा ही रहे, ना कि ताड़ी में बदल जाए। इधर कॉम्फ्रेड के MD शिखा श्रीवास्तव ने बताया कि नीरा पौष्टिकता से भरपूर है, आप इसे गर्मी से दूर रखें। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिकों की मदद से जो है इसे बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नीरा के बनने के लेकर बेचने तक के पूरे प्रोसेस को इन वैज्ञानिकों के द्वारा डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा कि यह एक पौष्टिक पदार्थ है, आखिर तक जो है यह बना रहता है, यानी कि इसकी जो है क्वालिटी के बारे में यह बताया गया है कि यह जो है अच्छी क्वालिटी का है। आप नीरा का भी सेवन जो है कर सकते हैं, खास करके अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के बारे में, तो यहाँ जो है कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं बिहार को लेकर खास करके यहीं से जारी की जाती है। तो ऐसे में नीरा को लेकर बिहार सरकार उत्सुक है और उसे अब बाज़ार में उतारने जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।